अब मैं अपनी कथा बखानो तब सादत जिन बिद मोहयानो हे मुकुंट पर्वत है सप्त श्रृंग शोभत है तहां सप्त श्रृंग तेह नाम कहावा पांडराज जह जोग कमावा तेह अमर। हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, की हाल चाल, होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। यात्रा श्री हेमकुंड साहब 2024 जिसकी शुरुआत हमने करी थी मेरठ से और पहला स्टॉप हमने लिया गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब ऋषिकेश में और यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम देवप्रयाग श्रीनगर और रुद्रप्रयाग होते हुए पहुँचे नगरासू गुरुद्वारा लंगर दमदमा साहब जहाँ पर हमने नाइट स्टे किया जहाँ से अगले दिन सुबह हम कर्णप्रयाग नंदप्रयाग जोशीमठ विष्णुप्रयाग होते हुए पहुँचे अपनी यात्रा के दूसरे पड़ाव गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब गोविंद घाट में जहाँ पर हमने किया डे टू का नाइट स्टे जहाँ से नेक्स्ट डे यानी डे थ्री को हम चल पड़े 13 किलोमीटर का ट्रैक करते हुए गांगरिया स्थित गोविंद धाम की ओर जहाँ पर हमने किया डे थ्री का नाइट स्टे क्योंकि नेक्स्ट डे हम दर्शन करेंगे सचखंड श्री हेमकुंड साहब के। यह है गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब जी गोविंद धाम का और आज है हमारी यात्रा का डे फोर और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का 6 किलोमीटर लंबा ट्रैक हेमकुंड पर्वत की ओर जहाँ पहुँचकर हम दर्शन करने वाले हैं सचखंड श्री हेमकुंड साहब जी के। तो आइए शुरू करते हैं आज की यात्रा। बोले सोनिहाल। गोविंद धाम से थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें छोटी सी हिम नदी को पार करते ही स्टार्ट करते हैं अपनी छोटी किंतु कठिन 6 किलोमीटर लंबी चढ़ाई सचखंड श्री हेमकुंड साहब की ओर। तो यात्रा पर आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब जी के इतिहास के बारे में। श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा लिखित श्री दशम ग्रंथ के विचित्र नाटक अध्याय में हेमकुंड पर्वत का जिक्र आता है जो कि तप स्थान है श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुनर्जन्म का। इस स्थान की खोज बाबा सोहन सिंह जी और बाबा मदन सिंह जी ने की थी। 15,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब जिसकी खोज इतनी आसान भी नहीं थी। घने जंगल, जंगली जानवर और बर्फ से ढका हुआ पहाड़ और कठिन रास्ता, इस सब के बावजूद भाई मदन सिंह जी ने तप स्थान की सही लोकेशन की खोज करी और वहाँ पर एक झोपड़ी नुमा गुरुद्वारा साहब की स्थापना करी। गुरुद्वारा गोविंद धाम स्थित वो ऐतिहासिक पेड़ आज भी मौजूद है जहाँ पर बाबा मदन सिंह जी निवास करते थे। उसके बाद जब पहाड़ों पर संसाधन बढ़े तो 1968 में गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब जी के वर्तमान स्वरूप की स्थापना हुई और आज की यात्रा का आधा ट्रैक पूरा करते ही यहाँ से हम दर्शन कर सकते हैं निशान साहब के जो कि यात्रा की थकान को दूर करते हुए हमें जोश भरने के लिए काफ़ी होता है। गोविंद धाम से हेमकुंड साहब की ओर जाने वाले जो खच्चर होते हैं वो बस यहीं तक ही आते हैं क्योंकि यात्रा मार्ग में यहाँ से आगे ग्लेशियर आते हैं जहाँ पर खच्चर नहीं चल पाते और यहाँ से आगे का सफ़र पैदल ही पूरा करना होता है। ज़्यादा नहीं 2.5 से 3 किलोमीटर का सफ़र यहाँ से बचा है और सामने आप ग्लेशियर देख सकते हैं, बहुत ही विशाल ग्लेशियर, जितना सुंदर पर उतना ही खतरनाक भी। यात्रा पर जाते समय बहुत ही ध्यानपूर्वक इस ग्लेशियर को पार करना होता है क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हालांकि ये ग्लेशियर बस जून के पहले 2 हफ्तों तक ही होते हैं, उसके बाद तो जून के लास्ट वीक या जुलाई में तो ग्लेशियर सारे मेल्ट हो जाते हैं और ये जो आप बर्फ़ देख रहे हैं ये दूर पहाड़ों पर ही दिखाई देती है बस। बट फिलहाल यहाँ पर ग्लेशियर को काट के सीढ़ियाँ बना के उससे हम यात्रा जारी रखते हुए और संगत बहुत है आज यहाँ पर, मौसम भी अच्छा, धूप निकली हुई है जिस वजह से ग्लेशियर भी बार बार मेल्ट हो रहा है, इससे काफ़ी चिकनाहट सी हो गई है मार्ग में, स्पेशली जहाँ पर ये ग्लेशियर है बर्फ वाले मार्ग में। इसलिए धीरे धीरे गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब की ओर आगे बढ़ते हुए गोविंद धाम से गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब का 6 किलोमीटर लंबा ये सफ़र लगभग 5 से 6 घंटे में पूरा किया जा सकता है, उसके लिए बस धीरे धीरे चलते रहें। जो संगत गोविंद धाम गुरुद्वारे से
सुबह 4 बजे या 4:30 बजे तक निकल जाती है ऊपर दर्शनों के लिए, वो इस टाइम वापस भी आनी शुरू हो गई है। बट यहाँ से रास्ता अभी काफ़ी बचा हुआ है, पर फिलहाल तो इस ग्लेशियर को पार करते हैं, वो भी ध्यान से, क्योंकि यहाँ से अगर हल्का सा भी पैर स्लिप हुआ तो सीधे नीचे गोविंद धाम में ही मिलेंगे। तो फाइनली ये ग्लेशियर तो पार हुआ। इसी ग्लेशियर की वजह से ही जो गोविंद धाम से खच्चर चलते हैं वो ऊपर की ओर नहीं आ पाते, क्योंकि इंसान तो ध्यान से चल सकते हैं बट खच्चर शायद उतना ध्यान ना दे पाए अपने कदमों की ओर में, और हल्का सा पैर स्लिप हो उनका तो कैजुअल्टी हो सकती है, इसी वजह से खच्चर ऊपर तक नहीं आते। और इसी ग्लेशियर के साथ साथ ही हमें ऊपर जाना है। इस बार स्नो बहुत ज़्यादा है, ग्लेशियर काफ़ी बड़ा है, तो एक बार फिर से हम इस ग्लेशियर को क्रॉस करेंगे। ग्लेशियर को पार करने के बाद यहाँ पर दो रास्ते आ जाते हैं। एक रास्ता पहाड़ी मार्ग है जो कि पैदल मार्ग है, और दूसरा रास्ता ये सीढ़ियों से जाने वाला ऊपर गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की ओर, जो कि लगभग 1200 स्टेप्स हैं यानी 1 किलोमीटर के करीब, जबकि पहाड़ी रास्ता 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा है। बट हम चलेंगे सीढ़ियों से क्योंकि हमें जल्दी भी है और लेट भी हो गए हैं ऊपर दर्शनों के लिए जाने के लिए। और फाइनली आज के 6 किलोमीटर लंबे ट्रैक को 7 घंटे में पूरा करने के बाद हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारा सचखंड श्री हेमकुंड साहिब। बहुत ही सुंदर अलौकिक नज़ारा, और यकीन मानिए 7 घंटे के ट्रैक में जो थकान जो कमजोरी महसूस हुई वो यहाँ आते ही बिल्कुल दूर हो गई। लेफ्ट साइड में लंगर हॉल और ये चारों ओर पहाड़ सब सिंह हेमकुंड पर्वत के, संगत बहुत ज़्यादा यहाँ पर पहुँची हुई है आज। चलिए हम आगे चलते हैं और करते हैं दर्शन सचखंड श्री हेमकुंड साहिब जी के। गुरुद्वारा साहिब के अंदर तो अब मोबाइल अलाउड नहीं है, तो बाहर से ही आप दर्शन कीजिए, और अगर अंदर से दर्शन करने हो तो जरूर या एक बार यात्रा कीजिए श्री हेमकुंड साहिब जी की। तो आइए सबसे पहले चलते हैं सरोवर की ओर, जहाँ पर स्नान करके फिर टेकेंगे मत्था सचखंड श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में। पंद्रह 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब, जहाँ पे रहता हुआ निशान साहब, और ये पवित्र सरोवर। तो दोस्तों होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।